कुछ नया बनाए। हाय एवरीवन, वी लव टू शेयर में स्वागत है। आज कुछ नया बना रहे हैं। महाराष्ट्र में ये रेसिपी काफी पॉपुलर है। वीडियो देखने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और बेटर रेसिपीज एंड प्लेसेस दिखा सके। आज की रेसिपी है मूंगफली की दाल। मूंगफली की दाल बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे एक टमाटर, 3 हरी मिर्च, 1 कटोरी कच्ची मूंगफली, आधा नारियल, 3 बड़े चम्मच सफेद तिल, 1 उबला आलू। नारियल से नारियल का दूध बना लेना है और मूंगफली को रोस्ट करके बारीक पीस लेंगे और जो सफेद तिल है उसे भी रोस्ट करके पीस लेना है। थोड़ा सा इमली का पानी और सबसे आखिर में थोड़े से रोस्टेड मूंगफली के अखे टुकड़े। अब कढ़ाई में डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी, 1 बड़ा चम्मच राई, 1 बड़ा चम्मच जीरा, 1 बारीक कटा हुआ प्याज। इसे हल्का भून लेंगे और अब डालें इसमें 1 रफली कटा हुआ टमाटर और हल्का सा नमक डालेंगे ताकि कुकिंग प्रोसेस को स्पीड अप कर सके। अब डालें 1/2 बड़ा चम्मच हल्दी, 1/2 बड़ा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसे मिक्स करेंगे और 2-3 मिनट के लिए मध्यम आँच पे पकने देंगे। अब डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बेसन और इसे मिक्स कर लेंगे। अब उबले आलू को मैश कर लेंगे और मसाले में ऐड कर दें। अब जाएगा इसमें रोस्टेड सफेद तिल का पाउडर, मूंगफली का पाउडर। इसे मिक्स कर लेंगे। अब डालें इसमें नारियल का दूध और हल्का सा स्टर करेंगे। 1/2 कप पानी डालेंगे, मीडियम कंसिस्टेंसी रखना है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इमली का पानी ऐड करेंगे और फिर से मिक्स मिक्स मिक्स। फिर 1/2 कप पानी जाएगा और तेज आंच पे एक उबाल आने देंगे। उबाल आने के बाद इसमें डालेंगे थोड़े अखे रोस्टेड मूंगफली और फिर से मिक्स मिक्स मिक्स। अब डालेंगे 1 बड़ा चम्मच गुड़ और 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला पाउडर। मिक्स करेंगे और फिर से उबाल लेंगे एंड मूंगफली की दाल रेडी है। बहुत टेस्टी बनती है मूंगफली की दाल। जरूर ट्राई करें और कमेंट्स में बताएं कि मूंगफली की दाल कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मिलते हैं अगले बुधवार को। थैंक यू गाइज़।